हस्कोट ताल्लुक सुलीबेले सरकारी उर्दू स्कूल में DSF फाउंडेशन का प्रोग्राम, बच्चों में असनाद तकसीम, असातिज़ा का एजाज़, तालीम की तरफ रिझान दिलाने मौलाना शायक नदवी, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद, वसीम नवाज पाशा ने किया जहन साजी प्रोग्राम, दुआओं का अहतमाम किया गया। सदाए हिंद उर्दू में हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सईदा नाहिद फातिमा मैम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़। हेड डिस्ट्रिक्ट सईदा मैम। नेक्स्ट इज मुबीन ताज मैम। नाज़रीन, बच्चों का मुस्तकबिल मुल्क का मुस्तकबिल है। सबका समाजी फर्ज है कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। इसी को बुनियाद बनाकर ओस्कोटे DSF फाउंडेशन ने पिछले कई सालों से स्कूल कॉलेज के तलबा और तालिबात को तालीम से आरास्ता करने जहन साजी और तरबती प्रोग्राम्स का अहतमाम करते हैं। इस खिदमत में शामिल मुख्तलिफ शहरों से वाबस्ता खिदमत गुजारों की बड़ी टीम DSF के नाम, जिसमें मौलाना शायक नदवी, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद, सैयद वसीम नवाज पाशा, नासिर हुसैन, अफजल हुसैन वगैरह शामिल हैं। DSF का असल मकसद है कि बच्चों में इल्म आ जाए, तालीम और मुल्क व मिल्लत की सही खिदमत करने वाले बन जाए। तालीम तरक्की के हर मैदान में बच्चे अपनी सलाहियत के मालिक बन जाए। नाज़रीन, मुल्क की आबादी के हिसाब से अकलियतों पर ख़ास प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं DSF की तरफ से। इसी मुनासिबत से DSF टीम तालीम तरक्की के हर शोबाजात से जुड़कर मौसर इकदाम उठाते हैं। बच्चों में इल्मी सलाहियत लाने, माँ बाप में शऊर लाने, DSF जानो माल की कुर्बानी पेश करते हुए इस काम का बेड़ा उठा रखा है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। And you want to know me, Sayyid Mukarram sir. यहाँ सुलीबेले सरकारी उर्दू स्कूल में प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों को असनाद तकसीम किए गए और असातिज़ा को एजाज से नवाजा गया। 16 जुलाई को एक बड़ा प्रोग्राम कालीगुड़ी में होने जा रहा है। इसके पीछे अल्लाह बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत सारों की मेहनतें हैं, वालिदैन की कुर्बानियां अलग से, अल्लाह वालिदैन माँ बाप की कुर्बानियां और खुसूसन हमारे अल्लाह असातिज़ा की कुर्बानियां हैं, हमारे जिम्मेदारों की, हमारे बच्चों की तालीम तरक्की के लिए हम तमाम ने सर जोड़ कर फिक्र की है, मेहनती की है, कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा।
What activity we had to do initially? Knowledge generating activity. What is knowledge? Knowledge is power. What is knowledge? It's a power. Money is that power. Knowledge is power. इसके वास्ते हमें क्या है? Knowledge generating activity करना है. अच्छे एक इंसान बनने के लिए, अच्छे एक टीचर बनने के लिए, अच्छे एक डॉक्टर बनने के लिए, अच्छे इंजीनियर बनने के लिए, अच्छे पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, अच्छे जज बनने के लिए, अच्छे लॉयर बनने के लिए, अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए, दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए जो नॉलेज जो प्रोफेशन है वो नॉलेज हासिल करना है. उसका सर पहला जो है हमारा क्या रहना है एक्टिविटी नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी नंबर वन. उससे कैसा करना है मैं बताता हूँ नेक्स्ट. दूसरा जो एक्टिविटी है हलाल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, हलाल पैसा कमाने की नीयत आगिरो शुद्ध हण संपादिसो नम हुट्टिरो बर्त राइट हम हुट्ट धर्म अदु नम अधिकार हक्कु अदु हमारा क्या है हलाल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी. क्या है? एक नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हलाल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, तीसरा जो है आखिरत जनरेटिंग एक्टिविटी. आखिरत देने सबको भी हमने हियर एंड हियर आफ्टर, हियर एंड हियर आफ्टर, यहां दुनिया में भी कामयाब होना है, दुनिया के बाद जब जा रहे हैं हमें इंशाल्लाह वहां भी कामयाब होना है. तो उसके चलते ये तीन एक्टिविटीज के अंदर अभी जो है यहां पर आया नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी. तो माशाल्लाह फर्स्ट पीयूसी के बच्चे बहुत सारे आपको ही उनको भी आज इनामत है. अभी जो 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 हमारे मैडम हमारे सास जो डिसाइड कर रही इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को आए थे सम काइंड ऑफ मोटिवेशन सम काइंड ऑफ रिकग्निशन सम काइंड ऑफ गिफ्ट्स एंड अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स. तो उसके लिए देखो बेटा यहाँ पर क्या है हमारे पहले तुम्हारी एज में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब हो तो मेन इलम हासिल करने नॉलेज गेन करने करके तो कहां से सीरियस हो जाना बोले तो नाइन्थ से नौवीं क्लास तक बहुत सीरियस हो जाए. नौवीं क्लास के बाद में नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं करेक्ट है कितने साल हो चार साल राइट. बारहवीं तो खुश हो गए घर में खाना खिला देना वो बारहवीं के साथ होता वो बारहवीं नहीं यहां बारहवीं जो है ना सिर्फ पच्चा था बीसी बारहवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं चार साल. अभी डिग्री चार साल है ना उसमें दो साल सीरियसली पांच छह साल फाइव टू सिक्स इयर्स. जो लड़का जो लड़की पांच छह साल सीरियसली सब कुछ छोड़ को पूरी तवज्जा देखो जो पढ़ती है उन्होंने आगे बढ़ती. जो पांच छह साल खेला होती ना पचास साल रोती. मेरी नसीब अच्छी नहीं है हमारे अब्बा अम्मी मुझे किसे शादी कर डाले बोले अच्छा कमाता नहीं तो यूनो पीयूसी में तो चार पांच बार फटिया मारे रहती एसएससी में फटिया मारे रहती पीयूसी में फेल हो रहती इनको क्या आईएएस ऑफिसर डॉक्टर इंजीनियर मिल जाता क्या इन अच्छा पढ़े रहता तो अच्छा पढ़े सारे मिलते थे मालूम है बेटा दसवीं में फेल ग्यारहवीं में फेल मिलती सभी की कैसी चारवीं में चार बार फेल होने जो कोचिंग क्लास में समझे. इसके वास्ते सीरियस कितने साल रहना नाइन्थ टेन इलेवेंथ ट्वेल्थ एक दो साल करके पांच छह साल जो बच्चे अच्छा पढ़ लेते थे पचास साल लाइफ एंजॉय कर दी. चार पांच साल जो बच्चे पढ़ लेते थे कितने साल है पचास साल रानी राजेश्वर का किंग क्वीन के साथ रहेगा. तुम्हें डिसाइड करो चार पांच साल तुम्हें अच्छा खेला जाए तुम्हारे अम्मी क्या क्या बोलते उसके खिलाफ करो तुम्हारा अब्बा क्या क्या बोलते उसके खिलाफ करो तुम्हारे टीचर क्या क्या बोलते उसके खिलाफ करो रोना तुम्हारे अम्मी अब्बा को टीचर को धड़क खाओ बोलना हो अल्लाह मेरे पेट में कई को पैदा हुई कैसी व्यक्ति का बोलना है वैसा कर देंगे नहीं तो तुम्हारे अम्मी अब्बा को तुम्हारे बारे में फखर महसूस होना दे हैव टू फील प्राउड माशाल्लाह बेटी भी ऐसी व्यक्ति था बेटा का तो ऐसा रहना ये किसके हाथ में से तुम्हारा ऐसा राइट सुनो
बेटा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में क्या बनना चाहते, क्या नाम तुम्हारा? जोर से बोलो, रोहित। रोहित, राइट। क्या बनना चाहते तुम्हें? पुलिस। पुलिस डर डर कैसे बोले तो चोरा क्या करते, तुम्हें मार भागती करेक्ट है, शांत से बोलना, मैं पुलिस बनना चाह रहा हूँ, राइट? ओके, तुम्हें बेटा क्या नाम है? नाश्ता करेंगे। बोलो जोर से, तुमको सुना नहीं आ रहा, बोलो नाम। हाँ, क्या बनना चाह रही, क्या बनना चाह रही जिंदगी में? आईएएस, आईपीएस, क्या आईएएस आईपीएस आईएएस बोले तो डर था, ये बताएं क्या चीज़ है? तुम्हें क्या बोलना चाहिए बेटा? डॉक्टर। तुम्हें बेटा? हमारी पूरी इज्जत निकाला बेटा, जहां बेटा हिम्मत से बोलो, और एक बार क्या बोलना चाहिए जोर से बोलो? तीन हिस्सों में गाड़ियां होती कितने तुम्हें? चल देखो, अभी तो बोले पुलिस बनना बोलो, उन्होंने बोले आईएएस बनना बोलो, ये हमारी बेटी बोली डॉक्टर बनना बोलो, ये बेटी बोली आईएएस बनना बोलो, करेक्ट है, आईपीएस बनना बोलो, राइट? ये क्या करो, घर में बोलो, क्या करो, बोलो, बोला लो, इससे क्या फायदा मालूम है? हिम्मत बढ़ जाती है, तुम्हारा विजन क्लियर होता है, पहली बार अम्मी हंसती आईपीएस बनने का मतलब बेटा तू सच में डॉक्टर बन चुके है, कहा कि छोटी बच्ची तो उसे डॉक्टर 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 करती दे भाई, वो आईएएस आईपीएस आईपीएस करती दे भाई, हां पुलिस पुलिस करता था भी बच्चा हमारा, आईएएस आईएएस करता था भी, तो ये तुम्हें अगर से ऐलान कर डाले ना, हां इनिशियली पीपल विल लाफ फनी, क्या करते अब तुम्हारे पर अपने हंसते, पहले अम्मी हंसती, अब्बा हंसती, मामा हंसती, चाचा हंसती, पप्पू हंसती, खाला हंसती, अपने हंसना शुरू कर दी, पुलिस बोला देखो, तुम्हें सीरियसली जाको सेकेंड पीयूसी में 85% ले लिया, क्या मैं 85% ले लिया, नीट क्रैक करना ले, पूरे घबरे हुए थे, मजाक को बदले थे बच्ची, मैं समझ गई थी सेकेंड पीयूसी में 85% ले पर नीट क्रैक करना ले, फर्स्ट क्या करे तुम्हारे ऊपर हंसे, when you share your dream they laugh on you, when you share your dream they laugh on you, when you scored, when you are serious they will ignore you, they will ignore. Next time तुम हमले तो तुम्हारे फ्रेंड ना रिश्तेदार क्या करके बोलो मैं इन्हें बोल के आइए सुन सकते हैं, देखने को छोड़ दो बुला ली, इसे जल गए समझ में, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारा कजिन है तुम्हारा दोस्त है ना उसे जल गए बर्दाश्त नहीं हमारा, उसे धुएं के वास्ता नहीं, क्या कर रहा है देख नहीं देख नहीं सकता, कान दे फंक्शन में मिले तो भी बात करते नहीं, क्यों 98% ले ले ना 99% ले ले ना, क्रैक करता ना नहीं थे टॉप मार्क्स आ गए ना, उसके बाद में तुम्हें सीरियसली डिग्री में कोशिश कर दो या कामयाब हो ना उस टाइम चुपका चुप लड़ते सो बिलाली बातें नहीं करती, दुकान नहीं है मेरे से छोटी है मेरी बातें नहीं करती, आईपीएस दे विल सेल योर प्रोडक्ट यू माशाल्लाह, मेरा मेरा हमारे चिच्चा का बेटा मालूम इन्हें, हमारे हमारे नानी की भांजी बेटी है मालूम, वो हमारे खुद के बहुत अच्छे हैं, खबर जो भी पेपर में फोटो आ जाए न्यूज में आ जाता है, इनके घर के पास कार आपको खर्चे है, इनमें ऑफिसर हो जाते अच्छे हौदे में आ जाते, 2-3 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करते, उस वक्त तुम्हारा क्या इज्जत, क्या इज्जत तुम्हारा मालूम है, कौन ने जो लोग पहले तुम तक हंसते नहीं थे उधर थे, उसका से इफ यू शेयर योर ड्रीम, इफ यू शेयर योर ड्रीम पीपल विल लाफ ऑन यू, दे विल इग्नोर यू, दे विल फाइट विद यू, फाइनली दे आर प्राउड ऑफ यू, उसका बेटा यहां पर ये मौका उनको दियो, तुम्हारा तुम्हारे ड्रीम्स शेयर करो, तुम्हारे ड्रीम्स है जैसे एक लाभ दो इनको, आज की जो दुनिया है टेक्नोलॉजी की दुनिया है,
आज की दुनिया जो है डिजिटल एज, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। तुम्हें क्या करे तुम्हें नहीं मालूम होता, तुम्हें क्या करे तुम्हें नहीं मालूम होता, मगर ऑलरेडी वो मोबाइल सर्वर को मालूम होकर आता है, तुम्हारे गांव की मस्जिद जमाए को मालूम होकर आता है, पुलिस स्टेशन को मालूम होकर आता है, मगर तुमने नहीं मालूम होता। टेक्नोलॉजी इज लाइक ए फायर, टेक्नोलॉजी जो है क्या है वो आग, आग जैसा। आग से खाना पका सकते, आग से अपने आप को जला ले सकते, उसका आपने टेक्नोलॉजी जो है ना उससे जरा दूर रहना है। चाकू जो है चाकू से तरकारी काट सकते हैं, हाथ भी काट ले सकते हैं।